BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। सिवान के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंदरढाला। सिवान के ZA इस्लामिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय को NAC द्वारा बी ग्रेड प्रदान किया गया। आपको बता दें कि पिछले 19 से 20 सितंबर को NAC PR टीम द्वारा महाविद्यालय का दौरा किया गया। 3 सदस्यीय NAC टीम ने गहन निरीक्षण के बाद यह ग्रेड प्रदान किया। इससे महाविद्यालय में उत्साह का माहौल है। इसको लेकर महाविद्यालय के शासी निकाय के सचिव जफर अहमद गनी ने एक प्रेस वार्ता किया। सुनिए इस प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस्लामिया कॉलेज जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का एकलौता अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, इसने, चूंकि आप सब जानते हैं कि पूरे देश में NAC से ग्रेडिंग का सरकार का निर्णय है, जो महाविद्यालय अपनी ग्रेडिंग नहीं कराएंगे उनको किसी भी प्रकार का ग्रांट इवन वेतन पर भी संकट के बादल आने वाले हैं। NAC से ग्रेडिंग अपने आप एक पहचान है। हमारे बच्चे अब कहीं भी कह सकेंगे, हमारे असातिज़ा ये कहीं कह सकेंगे कि हम एक ऐसे महाविद्यालय में कार्य कर रहे हैं या पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो NAC से एक्रीडेटेड है। हमारा प्रयास था कि ए प्राप्त करें, लेकिन कुछ न कुछ कमी हमारे अंदर रही जिसके कारण हमको बी ग्रेड मिला। लेकिन बी ग्रेड भी मिलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारे जयप्रकाश विश्वविद्यालय में अब तक बी ग्रेड किसी भी महाविद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ। और पटना साइंस कॉलेज, पटना BN कॉलेज को भी NAC ने बी ग्रेड ही दिया। तो पहले चक्र में अगर हमको बी मिला है तो हम कल से ही प्रयास प्रारंभ कर दिया है कि आने वाले दिनों में हम A++ लेकर रहेंगे। हमारे यहाँ जो मार्किंग हुई है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अच्छी मार्किंग हुई है, टीचिंग पर अच्छी मार्किंग हुई है, कहीं एकाध मामले में कमी रह गई जिसके कारण हमको ए नहीं मिल सका। लेकिन हम लोग हतोत्साहित नहीं हैं, हम अपने कदम को आगे बढ़ाते चलने का आज संकल्प ले रहे हैं और आने वाले 12 तारीख को इसका भरपूर तरीके से हम लोग जश्न मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति सहित विश्वविद्यालय के सारे पदाधिकारी और मौलाना शमीमुद्दीन अहमद मनमी, सज्जादा नशीन खान का हम उनिमिया भी पधार रहे हैं। उस अवसर पर भी आप सभी आमंत्रित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में अपने तमाम टीचरों, अपने तमाम बच्चों, अपने तमाम गार्जियन और आप मीडिया के लोगों का सहयोग हमको जिस तरह से मिलता आया है, मिलता रहेगा और आने वाले दिन में हम A++ लेके जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में पहला कदम रखेंगे। सर, ये A++ जो आप बोल रहे हैं, इसमें ऐसा क्या कमी रह गई खास करके इस्लामिया कॉलेज का कि ये प्लस नहीं मिल पाया, हालांकि बी में भी आप सेटिस्फाई हैं? हम ना तजुर्बाकार थे, हमें तजुर्बा नहीं था,
पहली मरतबा इम्तहान में हम बैठ रहे थे, इसलिए हमको हमारी ये कमी रह गई। अदरवाइज़ हमारे यहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं है।